बहुत बढ़िया, आप आए, आपका सम्मान है। खातिरदारी नाम ही खातिरदारी है, मतलब आप यहाँ आएंगे तो आपकी खातिरदारी होगी। सेनोरिटा भीगी भीगी साड़ी पे मैं। एक नया दिन, एक नया शुरुआत और एक नए यूट्यूबर से मीटअप करने जा रहे हैं, जिस भाई का नाम है गौरव पंडित, जो कि भोजपुरी लाइन में वो विलन का काम करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो आज उनसे मिलने वाले हैं और जानेंगे उन्होंने कैसे करके ग्रोअप किया और किस लाइन में जाके उनको क्या क्या सीखने को मिला। आज उनसे सारी उनका बिहेव जो भी सारी बातें होंगी उनसे नॉलेज आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में बने रही। अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है श्याम और सभी का स्वागत करता है एक नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों फिलहाल मैं आ चुका हूँ आजमगढ़ के एक ऐसे रेस्टोरेंट में जिस रेस्टोरेंट का नाम है खातिरदारी फैमिली रेस्टोरेंट। फिलहाल ये आजमगढ़ में पड़ता है जो कि सागर जमुड़ी में पड़ता है। फिलहाल मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो एक रेस्टोरेंट में हम लोग वेट करने वाले हैं, तो दिखा देते हैं यहाँ क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। फिलहाल अगर शुरुआत शुरू किया जाए तो कुछ इस तरीके का कैंटीन आपको देखने मिलता है, क्या क्या सुविधा मिलती है भैया थोड़ा सा? यहाँ भी आपको चाय और चाय से लेकर सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी यहाँ पे। और यहाँ पर तंदूर का भी आइटम मिलता है, यहाँ तंदूर के आइटम सारे मिल जाएंगे आपको, जो भी तंदूर के आइटम बन। मतलब अगर आप सामने से आते हैं तो आपके सामने टीन का सेक्टर देखने मिल जाए जिसमें चाय वगैरह और तंदूर वगैरह का पूरा फैसिलिटी आपको यहाँ दिया जाता है। तो फिलहाल कैमरामैन लगातार फोकस करिए, अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं इनके यहाँ क्या क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। फिलहाल अगर हम अंदर जाते हैं तो कुछ इस तरीके का नज़ारा फिलहाल देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों हम फिलहाल हो चुके हैं अंदर इस रेस्टोरेंट के, तो आपको इस तरीके से एंटर करते समय सरफेस देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल ले चलते हैं काउंटर पे, इनसे कुछ बात करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं। जी भैया नमस्कार, मेरा नाम है श्याम और सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल श्याम जी ब्लॉग में। तो भैया आपका नाम क्या है और क्या क्या फैसिलिटी आपके यहाँ रेस्टोरेंट वगैरह पे? थोड़ा सा हमारे वेज और नॉन वेज सब कुछ मिलता है, फास्ट फूड भी मिलता है, ये फैमिली रेस्टोरेंट है। मैं जानना चाहता हूँ जैसे मान लीजिए कोई बंदा यहाँ पे आना चाहता है बर्थडे वगैरह पार्टी सेलिब्रेट करना चाहता है तो किस हिसाब से आप चार्ज करते हैं और क्या क्या फैसिलिटी आपके यहाँ से दी जा सकती है, थोड़ा उसके बारे में? सर मेरे यहाँ सब कुछ अवेलेबल होता है, केक वेक सब कुछ हम अवेलेबल कराते हैं और डेकोरेशन भी हम ही करा के देंगे आपको। उन्हें कुछ नहीं करना होता, बस उन्हें आना है और यहाँ इन्जॉय करना है। मतलब अगर आप आना चाहते हैं तो आपको सारी फैसिलिटी, अगर वो बंदा बोलता है कि मैं अपने से करके आता हूँ तो ठीक है, अदरवाइज आप डेकोरेट केक वगैरह सारी सिस्टम आप खुद लगा देते हैं। भैया मैं दिखा सकता हूँ ना अंदर का नज़ारा। दोस्तों अगर आप आना चाहेंगे अंदर तो देख सकते हैं पूरा एकदम एरिया अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। आप यहाँ सिटिंग प्लान फैमिली वगैरह के साथ आ सकते हैं, यहाँ आपको सेल्फी पॉइंट देखने को मिल जाता है जो कि एडवर्टाइज करने का एक नया तरीका है, तो आपको एक अच्छा व्यूज़ देखने को मिल जाता है इधर। और इधर हम जिनसे मिलने आए तो भैया यहीं पर बैठे हैं, इनसे भी मुलाकात कर लेते हैं। भैया जी नमस्कार, क्या हाल चाल? हमारे भैया जी भी मिल गए यहीं पर, इनसे मुलाकात और इनका एक इंटरव्यू आने वाला हमारे चैनल पे। अगर आपको फुल इंटरव्यू भैया के देखना है तो हमारे चैनल रंगदार न्यूज़ क्लब पे जाइएगा। तो भैया कुछ कहना चाहेंगे हमारे? बहुत बढ़िया, आप आए, आपका सम्मान है। खातिरदारी नाम ही खातिरदारी है, मतलब आप यहाँ आएंगे तो आपकी खातिरदारी होगी, आपको सेवा यहाँ मिलेगी। और आजकल बड़ा कंपटीशन है लेकिन आपको यहाँ आपके बजट में सब कुछ मिलेगा। आइए, सबका स्वागत है यहाँ पर, मैं यहाँ पर बराबर बैठता रहता हूँ। तो भैया का एकदम शेड्यूल बन चुका है, सैटरडे संडे ऐसा कुछ? हाँ सैटरडे संडे यहाँ मिलता हूँ, यहाँ पे बकायदे मिलेंगे खातिरदारी में। खातिरदारी में रउआ लोग के खातिरदारी बात है, रउआ लोग आई मजा बा एकदम। तो दोस्तों फिलहाल मैं भैया से भी मिल लिया और इनका फुल इंटरव्यू हुआ है, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप रंगदार न्यूज क्लब पे जाइएगा, फुल इंटरव्यू देखिएगा। तो और कुछ नज़ारा मैं दिखा देता हूँ रेस्टोरेंट का। तो यहाँ पे पूरा आएंगे एकदम बड़ा सा पूरा हॉलिंग देखने को मिल जाता है जिसमें आप बैठ के फैमिली के साथ वगैरह अपना यहाँ व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा सरफेस देखने को मिल जाता है, सारे सिस्टमिक चीज़ से आप यहाँ पे आके अपना बकायदे सारी चीज़ें कर पाएंगे। अंदर दोस्तों अगर अंदर जाना चाहते हैं तो फैमिली के साथ कैबिन बना हुआ है, आप ले जा सकते हैं। अभी फिलहाल रेस्टोरेंट में कस्टमर वगैरह थे इसकी वजह जाना उचित नहीं समझा। तो फिलहाल ये रहा पूरा व्यू, सेल्फी पॉइंट आपको दिखा दिया, साथ ही साथ इधर आपको देखने को मिल जाता है
खातिरदारी में रहुआ लोग का स्वागत हुआ भैया ने बोला। बाकायदे यहाँ बाकायदे पूरा सरफेस आपको देखने मिल जाता, साथ ही साथ देख सकते हैं एक्वेरियम वगैरह है और बाकायदे यहाँ पे देख सकते हैं वर्क हार्ड ड्रीम बिग आपको एडवर्टाइज करने का अच्छा तरीका, साथ ही साथ सिंगिंग वगैरह करके। एक कैसे बजावल जाला सेनोरिटा। साथ ही साथ यहाँ पे अच्छे से थॉट देखने को मिल जा रहे हैं जिससे आप मोटिवेट भी हो सकते हैं अच्छा खासा करने का, अगर जुनून आ तो आप कर सकते हैं इसके थॉट के जरिए। और देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस है, बैठ सकते हैं, कपल वगैरह के साथ भी आ सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं। तो भैया कुछ हम गाना वाना सुनाई काचा प्या तो भैया कुछ गाना वाना गावे ना आप? अच्छा अच्छा आप आइए आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं सर, ठंडक का मौसम है तो क्या दिक्कत है। तो मैं कुछ बीट दे रहा हूँ, तगड़ा था कोई दमदार डायलॉग मारिए। डायलॉग गाइए हम गाना उसे आप ले में ले मिला रहा है। क्या गाएं हमको कुछ समझ नहीं करता। भीगी भीगी साड़ी तो पे मैं दोस्तों आशा करता हूँ हमारी ब्लॉग वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।